घर की एक ऐसी जगह जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने आते हैं, अच्छी नींद लेने आते हैं जी। वो घर का बेड है, बेडरूम है, और हमारा घर का बेडरूम बहुत अच्छे से एक कार्मिंग वे में डेकोरेटेड होना चाहिए, सो दैट हम वहाँ जाके रिलैक्स कर सकें। आज का वीडियो उसी पे ही है। आज हम करने जा रहे हैं लो बजट बेड एंड बेडरूम मेकओवर। अगर आपके पास भी ऐसा बल्कि हैवी बेड है तो मैं आपको बेडरूम मेकओवर आइडिया दे रही हूँ, बेड मेकओवर आइडिया भी दे रही हूँ, बट बेड को बदले बिना। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। बेड को अगर आपने शीक लुक देनी है और आपका बेड ओल्ड स्टाइल का है, आप उसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। भाई ओल्ड बेड ना बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टर्डी बेड्स होते हैं, तो उनको निकालना एक बार ही दिल को चुभता है। सो मैंने अपने बेड को इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। एक तरीका और है जिससे मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं बेडरूम दिवाली मेकओवर। दिवाली स्पेशल 101 चल रहा है, तो भाई डी क्लटरिंग के साथ साथ हमने बेडरूम को भी मेकओवर करना है। आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं 3 बेडरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़, जो कि होने वाले हैं लो बजट में। बेड और बेडरूम हम दोनों ही मेकओवर करने वाले हैं। पैसे आपको ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से लगता है अभी मेरा रूम बेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप डी क्लटरिंग का ब्रह्मा सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है, और मुझे आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी पता चले हैं जो हम पार्ट 3 में एड्रेस करने वाले हैं। मंडे को वीडियो आने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइएगा आपको ये 3 बेडरूम मेकओवर आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है। और आज हम बेड कैनोपी भी बनाने वाले हैं। शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। दिवाली अब बस आने वाली है, तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम बेडरूम मेकओवर। सिंपल एंड सोबर होने वाला है विद दिवाली डेकोरेशंस। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप मेरे पीछे देख रहे हो मेरा जो बेड है दैट इज ओल्ड स्टाइल, बट ओल्ड होने के साथ दिस इज वेरी सॉलिड। एज जो अंडर बेड स्टोरेज है ना, दैट इज रियली गुड। कभी कभी मेरा मन करता है यार इसको सेल ऑफ करके कुछ और अच्छा नया ट्रेंडी थोड़ा मॉडर्न लुक का बेड ले लूं, बट फिर जब इसकी क्वालिटी मुझे रियलाइज होती है ना, देन आई एम लाइक यार बेचने में तुम्हें कुछ मिलना नहीं है, और जो ये वाली क्वालिटी है ना ये आगे तुम्हें मिलने नहीं वाली। चलिए क्लीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं ना काफ़ी टाइम के बाद एक्चुअली घर वापसी आई थी, तो कुछ इस तरीके का बेड और बेडरूम का हाल है। इसको क्लीनिंग कर लेते हैं, और साथ ही साथ दिवाली क्लीनिंग करनी है तो वैक्यूमिंग भी कर लेते हैं। सो भाई मैं तो यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले जाले उतारने से और चीज़ें संभालने से, क्योंकि देखो बैंगलोर में ना थोड़ी ठंडी सी हो रही है, रात को मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मेरे पास इलास्टिक वाली बेडशीट्स नहीं है, नॉर्मल बेडशीट्स हैं, सो उनको ना मैं हर साइड पर नॉट लगा देती हूँ, इससे बेडशीट मूव नहीं होती है। हाँ थोड़ी ऊपर से ऐसे क्लमजी सी हो जाती है, बट हाँ बेडशीट मूव नहीं होती है। चलो क्लीनिंग करते हैं, मैट्रेसेस को भी क्लीन कर लेते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं, और फिर स्टार्ट करते हैं अपना डेकोरेशन। यहाँ पे मैं एक डी क्लटरिंग टिप भी दे देती हूँ अगर आपके पास टाइम हो, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, और साथ में आपको डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र वीडियो में पार्ट्स में पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। बेड के अंडर बेड स्टोरेज को भी चेक कीजिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको निकाल दीजिए, और भाई अपने शीशे हमेशा चमकते रखने चाहिए। अगर आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उन पे मिट्टी धूल कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कोई निशान चमकता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं बेडरूम मेकओवर और बेडरूम डेकोरेटिंग का प्रोसेस। दीवारों पे हैंग करने के लिए इस तरीके के जंबो हुक्स यूज़ कर रही हूँ, सो दैट हमें ड्रिल ना यूज़ करनी पड़े। एंड यहाँ पे मैंने कुछ वुडन प्लैंक्स यूज़ किए हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ड्रिल हुई हुई थी वहीं पे मैंने इनको हैंग कर दिया है, एंड कुछ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। जहाँ पे जंबो हुक्स यूज़ किए हैं वहाँ पे हम इस तरीके के वुडन प्लैंक्स यूज़ करने वाले हैं। ये एक्चुअली इनविजिबल शेल्स होते हैं जिनको मैंने इस तरीके से रोप के साथ ड्रिल करके कुछ इस तरीके का पैटर्न बना दिया है, सो दैट मुझे ड्रिल करके इनको फ्लोटिंग शेल्स की तरह यूज़ ना करना पड़े, और इस तरीके से मैं इसको कुछ डेकोरेट कर रही हूँ। सेम चीज़ मैंने बेड की साइड में भी करी है कि मैंने एक ऐसा शेल्फ वहाँ पे टांग दिया है जिसको हम अच्छे से डेकोरेट कर पाएँ, और ये जो एक वॉल थी इसको हम थोड़ा सा एक लुक दे पाएँ। इस तरीके के मैंने कुछ प्लैंक्स ऑर्डर करे हैं अमेज़ॉन से, अगेन सब परचेज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ देख रही हूँ कि किस पैटर्न में ये अच्छे लगेंगे, कैसा अच्छा लगेगा, एंड उस अकॉर्डिंग मैं इसको फिक्स कर दूँगी।
अब बेड कैनोपी बनाने का टाइम आ गया है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके का एक शेयर कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ साड़ी जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये मैंने किसी और DIY के लिए ली थी, बट यहाँ पे इस तरीके से यूज आ रही है। सो इसको मैं दो इक्वल हाफ में ले रही हूँ और इस तरीके का एक क्लिप यूज कर रही हूँ। ये स्टेशनरी के पेपर क्लिप्स होते हैं जो फाइल्स में यूज होते हैं, सो ये वो वाले क्लिप हैं। वहाँ पे ऊपर एक कील है ऑलरेडी ड्रिल हुई हुई है, सो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इसको हैंग कर रही हूँ एंड दोनों तरफ मैं पार्टीशन क्रिएट कर रही हूँ। इस एंड बेड के इन बड़े एजेस को छुपाने के लिए इस तरीके से मैंने इसमें फ्रिल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट क्रिएट किया है कैनपी का, सो दैट ये साइड्स इसकी हाइड हो जाए और एक अच्छा इफेक्ट आ जाए। नाउ दिस इज साड़ी, सो साड़ी है तो बहुत लंबी भी होगी एंड नीचे फ्लोर पे आ रही है, सो उसको शॉर्टन अप करने के लिए मैं अगेन इसी तरीके के स्टेशनरी हुक्स यूज़ कर रही हूँ, क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ बेसिकली, एंड एक बो सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रही हूँ जिससे साड़ी फोल्ड होके लूप होके एक साइज छोटा हो जाए एंड वो जमीन पे ना लगे। नाउ कैनपी को एक ड्रीमी लुक देने के लिए हम फेरी लाइट्स यूज करने वाले हैं। सिंस मेरे बेड में इस तरीके के ड्रॉर्स हैं, सो मैं बेड साइड टेबल भी यूज नहीं करती हूँ बिकॉज और ज्यादा क्लटर हो जाता है, सो यही ड्रॉर्स ही यूज होते हैं। एंड दीज आर द फेरी लाइट्स, ये बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स हैं एंड ये रिचार्जेबल बैटरीज मैं यूज करती हूँ। तो चलिए अब अपनी बेड कैनपी को एक ड्रीमी बेड कैनपी बना देते हैं फेरी लाइट्स ऐड करने के साथ। फेरी लाइट्स यूज़ करने के लिए मैं रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करती हूँ एंड दिस इज द चार्जर फॉर दैट, सो बैटरीज चार्ज पे मैंने लगा दी हैं। अब बारी आती है लिनन की, तो इसके लिए मैं ड्रीम लाइन ड्वेल की बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। दिस इज द बेडशीट गोज परफेक्टली विद माई थीम एंड चलिए अब थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं एंड देन आई विल गिव यू अ फाइनल लुक। रूम में आप जैसे ही एंटर करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वॉल आपको दिखती है, सो इस वॉल पे हमारी एंगेजमेंट का हैंड स्केच है, ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने बनाया था, सो अभी तक बहुत अच्छे से है। ये देखो उसके सिग्नेचर्स भी हैं यहाँ पे, सो ये हैंड ड्राइंग है, मैं इसको बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखती हूँ। सो इसके साइड में मैंने अगेन ये ब्राउन कलर के वॉल इनविजिबल वॉल शेल्स होते हैं जिनको ड्रिल करके यूज करते हैं, सेम ये भी इनविजिबल वॉल शेल्स हैं जिनको ड्रिल करके यूज करते हैं। मैंने इनको ड्रिल करके इनमें जूट का वो लगा दिया सो दैट हम इनको हैंग कर पाए, ज्यादा ड्रिलिंग की जरूरत ना पड़े। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सक्यूलेंट रखा हुआ है एंड ये भी अगेन ड्रिलिंग हुक्स थी बट इनको मैंने इसी तरीके से प्लेस कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। फेथ, लव, ड्रीम, बिलीव, फर्स्ट ड्रीम एंड देन बिलीव दैट इट इज गोइंग टू कम ट्रू। सो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर का वास रख दिया है सो दैट एक थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर मिल जाए एंड अच्छा लग रहा है। हमारा बेड है ये जो पहले जैसा दिखता था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। दिस इज द पिक्चर ओवर हियर कि हमारा ये बेड कैसा लगता था। सो अभी ये बेड कुछ इस तरीके से लग, बहुत ही सुंदर एक ड्रीमी बेड लग रहा है। सो इसके साथ मैंने कैनपी टाइप बना दी है सो दैट एक रॉयल लुक आए, बिकॉज जो हमारा बेड है ना वो भी थोड़ा ओल्ड स्टाइल का है, सो उसको एनहेंस करने के लिए मैंने इस तरीके की कैनपी बनाई। यहाँ पे मुझे बीच में ड्रीम कैचर लगाना था बट वो अभी तक मेरा डिलीवर नहीं हुआ है, सो मैंने कहा ठीक है बाद में लगा देंगे। एंड साइड में मैंने फेरी लाइट्स लगा के थोड़ा सा एक इसको ड्रीमी लुक देने की कोशिश करी। अभी मैं आपको नाइट लुक भी इसका दूंगी सो स्टे ट्यून। यहाँ पे सब चीजें मैंने हटा के बस मेरा फोन इग्नोर करना,
सो सब चीजें हटा के मैंने यहाँ पे कुछ एक डेकोरेशन कर दिया है, मून लैम्प लगा दिया है बिकॉज रात का टाइम में अच्छा लगता है, सोने ही आते हैं। एंड बेडिंग में मैंने कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया है, सिंस मेरा जो कलर थीम है इस रूम का इज ब्राउन एंड क्रीमिश, सो आप देख रहे हो कि पेंट भी कुछ आइवरी कलर का है। एंड जो मेरे कर्टन्स हैं दीज हैव ब्राउन क्रीम एंड थोड़ा सा कॉपरिश कलर, सो मैंने वही थीम कंटिन्यू रखा है। एंड इस तरीके से मेरा कुछ बेड लग रहा है। यहाँ पे बेड थ्रो के लिए मैंने अपना बनारसी दुपट्टा यूज किया है, जिसकी मुझे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है और कितने अच्छे से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फेस्टिव डेकोरेशन को। तो यहाँ पे ये है, आवाज सुन के बताना कि है क्या, समझ गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ है क्या चीज। सो ये एक डीआईवाई लैम्प है, ऐसे मेरे पास दो हैं। इतना ज्यादा बड़ा साइज का है कि आप देख रहे हो ये बेड से भी ऊंचे साइज का है। नाउ नेक्स्ट इज दिस डीआईवाई बास्केट, जिसके नीचे मैंने एक स्टैंड लगाया हुआ है एंड इसमें मैंने एक बड़ा स्नेक प्लांट रखा हुआ है। स्नेक प्लांट इसलिए रखा है बिकॉज जितने भी आप अभी यहाँ पे रूम में प्लांट्स देखोगे सब ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स हैं और सारे लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, सो दैट मुझे उनको रेगुलर वाटर करने की जरूरत ना पड़े। वॉल पे ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, अराउंड 179 रुपीज का मुझे मिला था ग्रेट इंडियन सेल में। हमने यहाँ पे कमांड हुक्स लगाई हैं, मैंने बड़े वाले साइजेस की लगाई हैं सो दैट वो वेट ले सके। नीचे मैंने यहाँ पे लैंटर्न लगाया हुआ है जिसमें कि मुझे बैटरी ऑपरेटेड लाइट रखनी है। उसके नीचे मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल गेंदे के फूल की लड़ियां लगा दी हैं दिवाली डेकोरेशन के लिए। एंड यहाँ पे मैंने कैंडल रखी है बट वो अभी मैं इग्नाइट नहीं करूंगी बिकॉज थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। सो यहाँ पे अगेन मैंने स्नेक प्लांट, ये शोपीस रखा हुआ जो मैं बंजारा मार्केट से लेके आई। ये है हमारा बाथरूम, बाथरूम की साइड में यहाँ पे हमने कूलर रखा हुआ है। हमने आप देखोगे तो कहीं पे भी एसी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, 2 महीने के लिए गर्मी होती है उसके लिए कूलर इज इनफ। उसके ऊपर मैंने अगेन कमांड हुक्स यूज करी हैं एंड थोड़ा डेकोरेशन कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रख दी हैं, रीडिंग बुक्स, बिकॉज मैं यहाँ पे ज्यादा क्लटर नहीं करना चाहती थी, हैंडी होनी चाहिए जो बुक्स आप रीड कर रहे हो, बस वही रख के एक ऊपर प्लांट रख दिया है। सो यहाँ पे मैंने जंबो हुक्स यूज करी हैं, ये बहुत अच्छे से वेट ले लेती हैं। एंड अगेन दिवाली के लिए मैंने ये आर्टिफिशियल गेंदा फूल की लड़ी लगा दी है। फाइनली थोड़ा धूप ने दर्शन दिए हैं एंड इतना सुंदर लग रहा है अब धूप में, ये धूप वाला लुक देख लो फाइनली, थैंक यू सूर्यदेव। बट बाहर अभी भी थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा ही है, सो इस तरीके से कुछ लग रहा है। ये वाले पिलो कवर्स बॉम्बे डाइंग के हैं, व्हाइट वाले ये आपने देख ही लिया है, ड्रीम लाइन का है। दिस इज फ्रॉम होम सेंटर, वेल्विटी ग्रे कुशंस, अगेन दिस इज फ्रॉम होम सेंटर, लास्ट ईयर मैंने परचेज किए थे, अभी तक यूज नहीं किए थे, ये वाले यूज कर लिए थे, ये वाले न्यू हैं, ये इस बार ही मैंने निकाले हैं।
कमेंट करके बताओ आपको ये लो बजट बेडरूम मेकओवर आइडिया कैसा लगा। भाई एक छोटी सी जगह, छोटा सा बेडरूम भी आप अगर उसकी फर्निशिंग्स चेंज कर देते हो ना, उसकी वाइब्स ही डिफरेंट हो जाती है। इस बेडरूम को मैं छोटा नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक ज़रा सा फर्निशिंग चेंज करने से, डेकोरेशन चेंज करने से पूरे बेडरूम की वाइब्स ही चेंज हो गई हैं। एंड दिस बेडरूम इज़ फेस्टिवल रेडी नाउ। मतलब फेस्टिवल डेकोरेशन भी फुल फ्लेज हो चुकी है। फेस्टिवल्स में हम इंडियन कलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडियन टेक्सचर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो मैंने इसमें किए हैं। आई लव द डेकोरेशन। आपको कैसा लगा नीचे ज़रूर कॉमेंट करके बताना। लो बजट में था तो आई एम लविंग इट। मेरे को कोई ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने पड़े, 300-400 रुपये में मेरा हो गया काम इसमें। और मैंने साथ ही अपनी DIY बेड कैनोपी भी बनाई है, विच आई लव। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा, 3 बेडरूम मेकओवर आइडियाज़ आपको कैसे लगे, इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है वो ज़रूर नीचे कॉमेंट करके बताओ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब तो धमाकेदार वाली रील्स आने वाली हैं दिवाली डेकोरेशन की, सारे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक देना। डी क्लेटरिंग का ब्रह्मा सीरीज़ अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट उसकी ओपन है, वो जाके देखिए। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। सो उस पावर को बरकरार रखना। देखो भाई, बिना पावर के ना क्लीनिंग भी नहीं हो सकती है, डेकोरेशन भी नहीं हो सकती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखो इस फेस्टिव सीजन।